वहीं आज उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और ऐसे में उत्तराखंड के किच्छा जिले में किसानों के मुद्दे पर किसानों से संवाद भी करेंगे और चर्चा करेंगे। हरिद्वार में वर्चुअल रैली को भी संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो हरिद्वार में जहां एक तरफ रैली को वो संबोधित करेंगे तो गंगा आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सैमवाल देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। योगेश, आज राहुल गांधी का आगमन है किच्छा जिले में, वो पहुंचेंगे, किसानों से किसान मुद्दे को भुनाने की कोशिश और साथ ही तमाम और मुद्दों को इस बार किसानों के बीच, लोगों के बीच लेकर उतरेंगे राहुल गांधी, ताकि और ज्यादा मजबूत कांग्रेस को जनता के सामने किया जा सके। बिल्कुल राहुल गांधी, जो आपने कहा बिल्कुल उसी तरह उनका पूरा का पूरा दौरा रहेगा आज। और किच्छा वो सबसे पहले पहुंचेंगे। किच्छा पहुंचने के बाद अगर बात करें कि किच्छा में वो क्या करेंगे, तो वहां पर किसानों को उससे बातचीत करेंगे कि आखिर किसान किस तरह से किसान का जो मुद्दा है उसे भुनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किच्छा की बात करते हैं तो किच्छा एक ऐसा विधानसभा पड़ती है और उसके आसपास की जो विधानसभा है वहां पर किसान बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से कांग्रेस जानती है, इसीलिए वहां पर अपने आप को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि अगर दो तीन सीटें भी बहुत ज्यादा फर्क डाल देती है, जीत कर आते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें आगे आने वाले दिनों उनको फायदा होगा, इसलिए उसको और मजबूत करना चाहते हैं। राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें कि क्या करेंगे, उसके बाद हरिद्वार वो पहुंचेंगे। सबसे पहले वर्चुअल एक रैली है, वर्चुअल रैली में वो हिस्सा लेंगे। वर्चुअली इस समय सब कुछ हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह चुका है कि आप वर्चुअल रैली करिए, तो वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे, उससे लोगों से, युवाओं से जो है वो जुड़ेंगे और उसके बाद शाम को वो गंगा आरती में हिस्सा लेंगे और गंगा आरती करेंगे यहाँ पर। जी ठीक है योगेश, देखिए अभी हाल ही में प्रियंका गांधी की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई पर हम काबू करेंगे, सिलेंडर सस्ते से सस्ते दाम पर महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही 40% महिलाओं को कांग्रेस में जगह दी जाएगी और इस बार टिकट उन्हें दी जाएगी ताकि चुनावी मैदान में महिलाओं को सशक्त किया जाए। ऐसे में सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया गया, लेकिन आखिर लोग कितने ज्यादा खुश है इस मैनिफेस्टो से, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की ओर से सामने निकल कर आ रही है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से? बिल्कुल, हम लगातार अभी पहाड़ों का दौरा भी कर रहे हैं, कई विधानसभाओं से, अलग अलग विधानसभाओं से हम घूम कर भी आ चुके हैं, अभी प्रयाग में आज हैं, अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की, कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, तो कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि पूर्व में भी आप सरकार में तो उस समय क्यों नहीं किया गया। फिर अगर बात करें 500 रुपए का सिलेंडर देना, क्या ये संभव है कि नहीं, इस पे भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको सही मान रहे हैं कि हो सकता है कि सब्सिडी सरकार दे देगी, यानी कि मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो इस समय पूरे प्रदेश में सामने आ रही है, जो घोषणा पत्र सामने रखा है कांग्रेस ने। बिल्कुल योगेश, देखिए जनता को भी समझने की जरूरत है कि मैनिफेस्टो घोषणा पत्र तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनावी जुमले जो है वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फैसले आखिरकार चाहे कोई भी योजना हो केंद्र सरकार की ओर से ही मुहर लगती है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में जनता को समझने की जरूरत है कि वो चुनावी वादों के पक्ष में ना जाए, ऐसे में उन्हीं मुद्दों को मुद्दा बनाकर मतदान करें जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की जनता के लिए। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजरें बनाकर रखिएगा खबर पर, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद योगेश।